नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पटना के तर्ज पर राज्य के अन्य सभी शहरों में शराब के खिलाफ बिहार पुलिस व्यापक स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। सभी शहरों के अलावा तमाम पर्यटन स्थलों पर मौजूद होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश सभी जिलों को दे दिए गए हैं। सभी जिलों से कहा गया है कि वे अपने अपने शहरों से समुचित कार्य योजना तैयार करके सघन जांच अभियान शुरू कर दें। झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी की सीमा से जुड़े इलाकों के थानों को खासतौर से शराब की तस्करी के साथ ही चोरी छिपे इनके उपयोग को लेकर भी पूरी तरह से चौकसी बरतने को कहा गया है। इस बार सभी जिलों को इस बात की खास तौर से हिदायत दी गई है कि शराब की बिक्री और तस्करी को लेकर इंटेलिजेंस जुटाने पर फोकस करें। किसी होटल या ऐसे किसी स्थान पर रेड करने से पहले इंटेलिजेंस के आधार पर शराब की मौजूदगी को लेकर पुख्ता हो जाएं। इसके अलावा नए नए स्थानों और इलाकों से जुड़ी खुफिया जानकारी भी ज्यादा से ज्यादा जुटाने को कहा गया है, ताकि शराब की तस्करी और गलत उपयोग पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। शादी विवाह के सीजन में शराब को लेकर ज्यादा सजगता बरतने के लिए कहा गया है। सभी एसपी को यह भी निर्देशित किया गया है कि शराबबंदी कानून में लापरवाही बरतने या माफियाओं के साथ मिलीभगत या नरमी बरतने वाले सभी स्तर के पुलिसकर्मियों की पहचान कर उन पर तुरंत कार्रवाई करें और इसकी सूची पुलिस मुख्यालय को भी भेजें। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि सभी जिलों को शराब के कारोबार, बिक्री और सेवन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शराब के खिलाफ सभी शहरों में सघन छापेमारी अभियान चलाने के लिए खासतौर से कह दिया गया है। पटना में सोमवार को राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के निरीक्षण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार में फिर से अभियान चलाया जाएगा। हम लोग खुद विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को शराबबंदी के लिए जागरूक करेंगे, इससे लोगों में शराबबंदी के लिए और जागरूकता आएगी। 26 नवंबर को शराबबंदी को लेकर फिर एक बार शपथ भी ली जाने वाली है। सबसे खास बात ये कि बिहार की राजधानी पटना में पिछले 3 दिनों से आप जिस तरह की छापेमारी देख रहे हैं, पूरी तरह से भगदड़ मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। लगातार पुलिस होटलों, मुसहरी और आसपास के शहरी क्षेत्र के साथ साथ देहाती इलाकों को भी खंगाल रही है और कई लोगों को शराब पीने के एवज में गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो अब इसी तरह की कार्रवाई बिहार के सभी जिलों में होने जा रही है। बिहार के तमाम ऐसे जिले हैं जहां से शराब की तस्करी और शराब पीने वालों की तादाद की खबरें लगातार आती रहती हैं। और ऐसे में सरकार ने अब ठान लिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को किसी भी प्रकार से शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर भी कारगर बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार के बयान से ये साफ भी हो जाता है, जो बयान उन्होंने रविवार को दिया था। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि नीतीश कुमार के इस पहल के बाद और बिहार पुलिस की बढ़ाई गई इस चुस्ती के बाद क्या बिहार में शराब के कारोबारी रुक जाते हैं, क्या बिहार में शराब पीने वालों की संख्या घटती है, क्या बिहार से शराब तस्करी का मामला खत्म होता है। ये ऐसे कई सवाल हैं जो आम जनता के जहन में भी चल रहे हैं और सरकार को भी इस पर विचार करना होगा, अन्यथा शराबबंदी कानून पर सवाल तो विपक्ष उठा ही रहा है और लोग भी दबे जबान से ये बात साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू जरूर है, लेकिन शराब की बिक्री, तस्करी और पीने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।